जब भी आप ये अल्फाज सुनते हैं हैकर, तो आपके जहन में क्या आता है? क्या कहीं गलत काम हो रहा है? कहीं चोरी हो रही है? अगर आप भी इसी तरह सोचते हैं तो एक वीडियो देखने के बाद आपका जहन भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ये हैकर भी सारे एक जैसे नहीं होते। इनको इनके काम करने के बिना पर तीन पार्ट पर बांटा गया है। पहला होता है ब्लैक हेड हैकर। ये जो ब्लैक हेड हैकर होता है, इसकी नियत होती है आपको नुकसान पहुंचाए और सिर्फ अपना फ़ायदा करे। जैसे आपके सर्वर, आपकी वेबसाइट को हैक करके उसके अंदर घुस के या आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है या उन चीज़ों को डिलीट भी कर सकता है। और दूसरा होता है वाइट हेड हैकर। ये जो वाइट हेड हैकर होता है, ये आपसे परमिशन लेता है आपकी वेबसाइट आपके सर्वर में एंटर होने के लिए। ये चेक करता है कि आपकी वेबसाइट आपके सर्वर में कोई नुक्स तो नहीं, कोई बग तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, ताकि वो उसको सॉल्व कर सके और आपको बता सके। और तीसरा होता है ग्रे हेड हैकर। ये जो ग्रे हेड हैकर होते हैं, इनकी नीयत आपको नुकसान पहुँचाने की नहीं होती, या आपसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे, आपका डेटा डिलीट नहीं करेंगे और ये आपसे परमिशन भी नहीं लेते। इसलिए इनको ग्रे हेड हैकर कहते हैं। ये सिर्फ अपने स्किल के जरिए मजाक में आपके सर्वर में घुसते हैं, आपकी वेबसाइट में घुसते हैं। और जो वाइट हेड हैकर होते हैं, इनको एथिकल हैकर भी कहते हैं। फेसबुक, गूगल जैसी वेबसाइट इनको अलाउ करती है कि हमारी वेबसाइट में बग चेक करें। जब बग चेक कर लेते हैं या कोई लूप ढूंढ लेते हैं, कोई नुक्स ढूंढ लेते हैं, तो उनको हज़ारों डॉलर भी पे करती है। तो आपने जाना कि हैकर कोई बुरी चीज़ नहीं होती। इनको तीन पार्ट में बांटा गया है। अगर आपको कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि हैकर कोई बुरी चीज़ नहीं होती। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।